गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। और मैं ममता आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल हरियाणवी ब्लॉगर्स ममता सिंगल में। तो फ्रेंड्स, आज 18 तारीख है और सुबह से ही बहुत तेज़ बारिश हो रही है। सुबह से नहीं, मतलब 17 तारीख की शाम से ही बारिश स्टार्ट हो गई थी दोपहर से, और अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। यहाँ टीन पर आपको आवाज़ भी आ रही होगी, बहुत ज़बरदस्त बारिश है, बहुत ज़्यादा सुबह से हो रही है। और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, लग रहा है कि हाँ भाई सावन आने वाला है, सावन लगने वाला है ना, जैसे सावन में होता है उस तरह का मौसम हो चुका है। क्योंकि काफ़ी दिनों से गर्मी हो रही थी भाई बहुत ज़्यादा, लेकिन अब मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया है। तो अभी सुबह का टाइम है, तो खाना मेरा बन चुका है, झाड़ू पोछा है वो अभी बाकी है, और बच्चों की क्लासेस लग रही है ऑनलाइन, वो अपना काम कर रहे हैं। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, तो बच्चे बोल रहे हैं कि भाई आज आप मौसम ठंडा हो गया तो पकौड़े वकौड़े या कुछ मीठा बनाओ। तो पकोड़े तो हमने भाई बनाए थे कल, तो पकोड़े हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं, उनको भी फिर पकोड़े पसंद है। मैंने सोचा चलो वो रहेंगे तब बना लेंगे। और आज मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन की रेसिपी काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ बट आज जो गुलाब जामुन है वो मैं बनाऊँगी सूजी से। पहले मैंने बनाए थे किसके बनाए थे, आटे के बनाए थे अब 2-3 दिन पहले, लेकिन वो अच्छे नहीं बने थे, तो मैं सोच रही हूँ आज सूजी के ट्राई करूँगी। तो वैसे मैं पूरी रेसिपी तो शेयर नहीं कर पाया आप लोगों के लिए, तो बस मैंने क्या किया, सुबह सुबह ही बना रही हूँ मैं। तो मैंने जो अपना सूजी होती है उसको डाल लिया है, एक कटोरी सूजी डाल लिया है मैंने छोटी वाली, और उसको मैं धीरे धीरे हल्का सा भून लूँगी 1-2 मिनट के लिए, ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद उसमें नॉर्मल टेम्परेचर का दूध डाल के उसको मिक्स कर लेंगे, और उसको तब तक चलाएँगे जब तक वो मतलब डो की तरह ना हो जाए। और उसके बाद उसमें डाल देंगे इलायची पाउडर, ठंडा होने देंगे, फिर उसकी बॉल्स बना लेंगे। फिर घी में या रिफाइंड में किसी में भी आप मंदी आंच करके बिल्कुल बिल्कुल लो फ्लेम करके उसको भून लीजिए जब तक उसका कलर है वो डार्क ब्राउन ना हो जाए। और उसके बाद उसको चाशनी में डाल दीजिए। तो चाशनी भी मैंने बना ली है, डो भी मैंने बना लिया है। आप जल्दी से गुलाब जामुन को कर लेते हैं फ्राई और चाशनी में डाल देते हैं फटाफट से। प्रॉपर रेसिपी अगर आप कहोगे तो मैं दोबारा शेयर कर दूँगी, आज मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो भाई चलिए आगे का प्रोसेस कर लेते हैं स्टार्ट, झाड़ू पोछा करेंगे बाद में। किचन का ऑलमोस्ट काम फिनिश हो चुका है, बस ये अपना गुलाब जामुन बनाएंगे, खाएंगे और आपको दिखलाएंगे। और भाई मैंने गेहूं धोए थे, और गेहूं धो के बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, क्योंकि मैंने कल धो दिए थे तो ये पता नहीं था कि भाई बारिश आ जाएगी, है ना। और बारिश आ गई और बारिश भी काफ़ी तेज़ है, तो बस थोड़े से जैसे होते हैं ना कि उनमें जो पानी होता है वो तो सूख चुका था गेहूँ का, लेकिन फिर भी वो गिल्ले हैं तो अब उनको उठा के डालना पड़ा। कल कई बार ऐसा हुआ, बारिश आई गई तो बार बार कभी गेहूं को बाहर, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी अंदर, ऐसे ही चलता रहा। मैं पहले ही धो के रख लेती हूं बट अब की बार लेट लेके आए थे तो फिर अब की बार भाई लेट हो गए। वैसे तो बिल्कुल साफ़ थे लेकिन फिर भी मैंने पानी में से निकाल दिया था। और नहा भी सब चुके हैं, बस मैं नहाऊँगी, कपड़े धोऊँगी और झाड़ू पोछा करूँगी। तो पहले बना लेते हैं अपने गुलाब जामुन, फिर उसको रख देंगे चाशनी में डाल के, और उसके बाद अपना काम करके फिर खाएँगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये रही मेरी चाशनी, और कुछ चाशनी मैंने बताया कि मैंने 2-3 दिन पहले बनाए थे वो वाली बच गई थी, थोड़ी सी मैंने और बना ली है। तो इसमें हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं चाहिए, और बस हल्की सी चिपचिपी सी होनी चाहिए, जैसे हम कोई तेल वगैरह हाथ में लगाते हैं तो थोड़ा सा चिकनाहट सा इस तरह का चिपचिपा सा वो महसूस होना चाहिए। तो चाशनी हमारी बन चुकी है, और यहाँ पर बस मैं इनको फ्राई करती जाऊँगी, और मैंने एक बर्तन में डाल लिए हैं। तो कोई गहरे तले का बर्तन ले लीजिए ताकि आपको कम चाशनी में आपके सारे जो गुलाब जामुन है वो डिप हो जाए, अदरवाइज़ फिर चाशनी बच जाती है, फिर वो किसी मतलब काफ़ी दिन तक रखी रहती है जब तक हम उसको यूज़ नहीं करते। तो बस मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में चाशनी नहीं बनाई है, जितनी मेरे को चाहिए उतनी ही बनाई है। तो यहाँ देखिए मैंने डार्क कलर के गुलाब जामुन इस तरह से फ्राई कर लिए हैं, और जैसे ही मैं इसको इसमें से निकाल रही हूँ तुरंत मैं इसको डाल दूँगी गहरे तले के बर्तन में, और फिर इसके ऊपर से मैं उसमें डाल दूँगी चाशनी, और इसको 2-3 घंटे के लिए अच्छे से डुबो के रख देंगे ताकि जो चाशनी है वो गुलाब जामुन के अंदर तक भर जाए और हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे भाई मैंने इसमें डाल के रख लिए थे पहले ही, इनको निकाल देते हैं, सर्व करके दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये देखिए भाई यम्मी यम्मी से गुलाब जामुन, और साइज आप छोटा बड़ा जैसा आपको पसंद है उस तरह का आप कर सकते हो। चाशनी भी बिल्कुल ईजी है बनानी, जितनी चीनी लेते हो उसका हाफ पानी डाल दीजिए, और उसको बस 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लीजिए। बस 1 तार की 2 तार की हमें नहीं बनानी है, हल्की सी चिपचिपी हो जाए, थोड़ा सा चिकनाहट की तरह आपको लगे उंगलियों में मसल कर देख लेना तो समझ लेना आपकी जो चाशनी है बिल्कुल परफेक्ट बन गई है, इसमें तार वाली चाशनी की ज़रूरत नहीं होती। और ये देखिए
बिल्कुल एक कटोरी सूजी ली थी मैंने छोटी वाली, और उसी से हमारे देखिए कितने सारे गुलाब जामुन बन गए हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रखना चाहते हो तो रख सकते हो। इतने यम्मी लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी इनको मार्केट से खरीद के लाए हैं, लेकिन ये हमने बनाए हैं घर में बिल्कुल साफ तरीके से, अच्छी अच्छी चीज़ें यूज करके, ना इसमें कोई गंदा सामान हमने यूज़ किया है और ना इसको खाकर हम बीमार होने वाले हैं। आपको कट करके दिखा देती हूँ कि भाई अंदर से जो इनका टेक्सचर है कैसा है। इस पे आप डालिए चाशनी, ये देखिए। तो देखिए एक कटोरी सूजी से हमारे इतने गुलाब जामुन बन गए हैं। तो आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहो तो बना सकते हो, और ऐसी चीज़ों से हमने बनाया है जो घर में आसानी से अवेलेबल मिल हो जाती है। सूजी भी घर में होती है, रिफाइंड घी भी होता है, और भाई सब चीज़ें, मिल्क पाउडर भी लगभग मिल जाता है, ना मिले तो मार्केट से भी ला सकते हो नज़दीक कोई दुकान हो तो। ये देखिए यम्मी एकदम से। तो यहाँ पे बहुत तेज बारिश आ रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे बंद कर देते हैं, और बहुत तेज बारिश आ रही है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको मेरे सूजी के गुलाब जामुन कैसे लगे, और अच्छे लगे तो प्लीज़ ट्राई करके देखना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट रेसिपी वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।